हमारे इसी तरह के बेहतरीन डिजाइन देखने के लिए लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो डिजाइन बनाकर बताने वाली हूँ, ये मैंने दो कलर से बनाया हुआ है, रेड और येलो से। और इस डिजाइन में मैंने इस शाइनिंग वाले धागे का यूज किया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। ये डिजाइन आप हैंड फैन में, डोर मैट में और तोरण पट्टी में भी डाल सकते हैं। तोरण पट्टी में बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये डिजाइन। अगर ये डिजाइन, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये हम डिजाइन सीख लेते हैं। जब आपको ये डिजाइन इस साइड से, किनारी साइड से शुरू करना है, बीच में तो मैं आपको बनाकर बताने वाली हूँ। यहाँ पर किनारी साइड से जब शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 7 होल काउंट करके और फिर 7 होल से 1, 2, 3 इस तरह से इस कॉलम में बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 7 होल काउंट किए हैं, फिर यहाँ पर 1, 2 ये होल छोड़े हुए हैं और 3 होल में मैंने ये डिजाइन बनाना शुरू किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस साइड में भी 7 होल है और इस साइड में भी 7 होल मैंने छोड़े हैं। इसके बाद में यहाँ पर डिजाइन शुरू किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डिजाइन हमारा यहाँ तक आया हुआ है तो अगले कॉलम में हमारा दूसरा डिजाइन आएगा। जो डिजाइन हम यहाँ पर बनाएंगे उसकी जो ये लीव्स आएगी वो इस कॉलम तक आएगी। देखिए इस यहाँ पर एक रो हमारी बीच में छूटेगी और इस रो तक आएगी। तो यहाँ पर अब हम इसी रो से इस साइड में आएंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर इस कॉलम में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 होल में हम इस तरह से निकालेंगे सुई को। देखिए 7 होल यहाँ से यहाँ तक हमने काउंट किए। अब यहाँ से काउंट करेंगे इसी कॉलम से 1, 2, 3, 4, 5 5 कॉलम में इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। देखिए ऊल हमारी यहाँ पर काफी पतली है तो इस डिजाइन को हम डबल बनाएंगे। तो इसी कॉलम में हम फिर से निकालेंगे और फिर से इस कॉलम में आएंगे इस तरह से। अब फिर से एक कॉलम हम बैक आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में हमें ना बढ़ाते हुए इस साइड में हमें बढ़ाना है, जिस साइड में मैट है। तो यहाँ पर आएंगे, एक कॉलम हमने यहाँ पर नीचे किया हुआ है, अब यहाँ से एक कॉलम नीचे जाएंगे इस तरह से, और दो बार एक ही कॉलम में हम दो बार सुई को निकालेंगे ताकि ये डिजाइन डबल बन सके। देखिए यहाँ पर फिर से हमने एक कॉलम नीचे कर लिया है, यहाँ से एक कॉलम नीचे, एक कॉलम, एक कॉलम, इसी तरह से हम एक एक कॉलम नीचे करते हुए इस डिजाइन को बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने 4 टाइम एक एक कॉलम नीचे करते हुए दोनों साइड से एक एक कॉलम नीचे किया है। अब धागा हमारा बैक साइड में है, इसी कॉलम से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड में आएंगे 5 कॉलम में, और इसी तरह से हम फिर से डिजाइन को बनाएंगे, फिर से इसी कॉलम में आएंगे। मैट को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर आते हुए इसी कॉलम में आएंगे और अगले कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम अगले कॉलम में जाएंगे, देखिए इस कॉलम में यहाँ पर आएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। अभी हम यहाँ पर नीचे की ओर आ रहे थे, अब एक एक कॉलम ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस साइड में हमने इसी कॉलम में निकालना है, इस कॉलम में, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनकर कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर आएंगे बैक साइड में और बैक साइड में हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला कॉलम हमें छोड़ देना है, ये बीच का कॉलम, यहाँ पर आते हुए ये कॉलम छोड़ेंगे, अगले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से काउंट करेंगे। मैं आपको दो बार इसलिए बता देती हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 1, 2, 3, 4, 5 5 कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और फिर से इसी कॉलम में आएंगे। इसी कॉलम में आते हुए हम यहाँ पर एक एक कॉलम ऊपर की ओर आएंगे इस तरह से, देखिए। इस तरह से अब यहाँ पर आते हुए फिर से हम इसी कॉलम में आएंगे इस तरह से,
अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कॉलम में आएंगे और इस तरह से निकालेंगे। और इस कॉलम से हम एक कॉलम नीचे आएंगे। अब एक एक कॉलम नीचे आते हुए ये डिजाइन हमें बना लेना है। देखिए दो इस तरह से अपने डिजाइन बना लिए हैं, सेम इसी तरह से इस साइड में बनाना है जिस तरह से मैंने इसमें बनाया हुआ है। यहाँ पर आएंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, अगले कॉलम में हम निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ से हम डिजाइन को शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे इस कॉलम के सामने इस तरह से, या 5 काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम में निकाला है हमने। अब यहाँ पर एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब बैक साइड में आते हुए इसे हम इस तरह से यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम इसे नॉट लगा देंगे इस तरह से। रेड कलर हमने फिल कर लिया है, अब यहाँ पर हम येलो कलर को फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे 1 2 3, 3 कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे जिसमें हमने रेड कलर को लगाया हुआ है। यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में आएंगे, इन दोनों के सामने जो बीच में एक कॉलम छोड़ा है उस कॉलम में इस तरह से आकर फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे, क्योंकि हम डिजाइन को डबल बना रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से इसी कॉलम में आएंगे और एक कॉलम ऊपर जाएंगे। इस तरह से एक एक कॉलम ऊपर जाएंगे, एक ही कॉलम में हम दो बार निकालेंगे। अब यहाँ पर आते हुए इस साइड के 3 कॉलम में जाएंगे, 1 2 3, 3 कॉलम में हमने इस साइड में भी निकाला है, इस साइड में भी 3 कॉलम में निकाला है। फिर से हम इसी को रिपीट करेंगे, एक कॉलम ऊपर जाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर आते हुए इस कॉलम से ऊपर जाएंगे, ये वाला कॉलम ना, ये रो छोड़ने के बाद ऊपर वाले रो में निकालेंगे। देखिए इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड कलर जो इस रो में आई है इससे हमें एक रो ऊपर निकालना है। ये यहाँ पर हमारी रेड कलर की है और यहाँ पर मैंने येलो कलर को निकाला हुआ है। इसे यहाँ पर आएंगे इस तरह से, इस कॉलम को हमें बाद में भर लेना है। पहले इसे भरेंगे, फिर इसे, फिर इस साइड में आते हुए ये वाला और ये वाला कॉलम भर लेंगे, फिर इसमें लास्ट में हमें इसमें भर लेंगे। इसी तरह से हमें इस साइड में यहाँ पर और यहाँ पर भी भर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें बना लेना है, जिस तरह से मैंने इसे बनाया है उसी तरह से इन्हें बना लेना है। अब यहाँ पर आते हुए देखिए इस तरह से हम मैट को करेंगे और ये बीच का कॉलम हमें छोड़ देना है और इस कॉलम में हमें इस तरह से निकालना है। पहले यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ से सीधे यहाँ पर निकालेंगे बैक साइड से होते हुए, फिर ये बीच का कॉलम हमारा छूटेगा और यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से, और इसे हम रिपीट करेंगे, एक कॉलम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हम एक कॉलम ऊपर की ओर निकाले हैं। अब फिर से आएंगे इस साइड में, देखिए यहाँ पर, और इस तरह से डिजाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक कॉलम ऊपर की ओर निकालेंगे। देखिए बीच वाले कॉलम को हम लास्ट में बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें बना लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ये रेड कलर है इससे हमें एक कॉलम ऊपर की ओर निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। अब इसमें हम शाइनिंग कलर को लगाएंगे। अब देखिए शाइनिंग वाले धागे को हम यहाँ से निकालेंगे और इस कॉलम में लाएंगे और इस बीच में नॉट के बीच से इस तरह से निकाल लेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम यहां पर निकालेंगे और इसे हम दो बार ही निकालेंगे, दो बार रिपीट करेंगे, वन, और फिर से इसी में निकालते हुए इसी कॉलम में लाएंगे, इस कॉलम में आएंगे और यहां पर फिर से हम इसी कॉलम में आते हुए इस तरह से अगले कॉलम में यहां पर निकालेंगे और यहां पर हम इस कॉलम से रिपीट करेंगे दो बार। देखिए इस तरह से, अब यहां पर हम फिर से इस कॉलम में निकालेंगे और यहां से आते हुए फिर से हम इस कॉलम में आएंगे यहां पर और इस कॉलम में निकालेंगे यहां पर। यहां पर भी हमने इसे डबल कर लिया है, यहां से आते हुए फिर से इसे हम यहां पर निकाल लेंगे। देखिए बीच का कॉलम हमारा सेफ बचा हुआ है, अब यहां पर आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे और फिर से इसे हम रिपीट कर लिए हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, अब यहां पर आते हुए इस कॉलम में फिर से आएंगे, यहां पर आएंगे और यहां पर आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे, फिर से इस कॉलम में आएंगे, किनारे किनारे की इस साइड का और इस साइड में मिलाया है, यहां से मिलाएंगे इस साइड में, ये देखिए इस तरह से, और बीच वाले कॉलम से भी हम इस तरह से एक बार निकाल लेंगे और इस कॉलम में इस तरह से इस साइड से भी निकालेंगे और यहां पर कंप्लीट हो जाएगा ये डिजाइन हमारा इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये डिजाइन बनकर कंप्लीट होंगे। आप इसी तरह से पूरे मैट में डिजाइन को बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये डिजाइन। आप हैंड फैन में, डोर मैट में और तोरण पट्टी में भी डाल सकते हैं, तोरण पट्टी में बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये डिजाइन। अगर ये डिजाइन, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, दोस्तों को शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।